एरिया के लिए अच्छे हैं, बट कोई पीपल ऐसा होता है कि जिसको मतलब कि जो कि नशे में, मैं बोलता हूँ कि सोल में आओ, आने के लिए मना नहीं है, ठीक है, बट कई पीपल ऐसे हैं जो कि जिसको मतलब कि यहाँ आके फिनिश हो जाते हैं, जैसे मतलब कि नशे में चले जाते हैं सारे पीपल, ठीक है, मैं वो चीज़ अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे एरिया शांति पीपल है, जहाँ इंडियन आएगा फॉरनर वहाँ बैठेगा ही नहीं, ये सिस्टम हो गया आज की डेट में। पंजाबी हरियाणवी चले हुए लाइन में, मतलब किस चीज़ के पीछे, फॉरनर के पीछे, तो फॉरनर भाग जाते हैं गांव। अच्छा, मतलब पीछा करते हैं फॉरनर, फॉरनरों के पीछे जाते हैं इंडियन, तभी ये फेमस हुआ है ब्रदर, ऐसा नहीं हुआ ये फेमस, इसीलिए ये फेमस हुआ है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही था कि हमारे लिए तो सबसे सही यहाँ पे शांति चाहिए थी, तो शांति के लिए हमारे लिए फॉरनर ही बेस्ट था। क्या मेरे को ले यार, तेरे केड़े सच्चे यार दोस्त, आड़ी ना मेरा एक ही यार, तेरे जिंदगी में होने सदा बार तू याद रखिया, मैं बाबा बने क्यों बने यार, कसूर में बैठ के जो भी है मेरा जिंदे यार, यार चिला मेरा सच्चा मुकाम क्या जिंदगी में ना सदा बार। नेचर हमारा बहुत अच्छा है, पार्वती भी अच्छी है हमारी, बट इसमें ऐसा है कि बंदों ने आपको आपने देखा होगा रिवर साइड में कितना गंद फैला हुआ है, हाँ वो तो है, तो भाई इस चीज़ से पार्वती क्रोधित हो जाती है। इस बार तो इसने महादेव को भी लेके चली गई है, देखो यहाँ देखो ये पेड़ देखो, इसी पेड़ को देखो कितना टेढ़ा है, अगर हवा के कारण अगर कुछ भी हुआ ना सीधा परे इसने कई टेंट कर देना खत्म, अगर अंदर बंदा होगा ना पूरा लॉस्ट। फॉरेस्ट लैंड बड़ी गंदी है क्योंकि यहाँ पे चील है, अगर देवदार होता शायद मतलब कि बच भी जाते, बट इनके लिए तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ये जो जगह है ना भैया, खूबसूरती के मामले में स्वर्ग है, टूरिस्ट होना अच्छी बात है यहाँ पे, वैसे कि बहुत अच्छी बात है, टूरिस्ट आओ हम खुद उनका वेलकम करते हैं, बस इतना है कि भैया टूरिस्ट बन के आओ तो ओनली टूरिस्ट बनो और घूमो अच्छी तरह शांति, जिस चीज़ के लिए आए आप लोग घूमने, मतलब व्यू लवर बोलते हैं ना जिसको, वो चीज़ करो जाओ। अब आप इधर आके कभी बियर की बोतल रोड में तोड़ के डांस कर रहे हैं या ऐसी कई हरकतें होती है ना कहीं बीच बीच में, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और प्लास्टिक वगैरह की जो भी आप लोग चिप्स पानी की बोतलें ऐसे गाड़ी में, जिस गाड़ी में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो उस गाड़ी से पूरा पॉलीथिन उठा के नीचे फेंक देते हैं फिर रोड में, ये थोड़ा गंदा लगता है सर। उसका बताना अभी जो आप बता रहे थे नोएडा वाले, नहीं ये देखिए, देख रहे पेड़, अरे पीछे उसके पहाड़ जो
ये दिन में तो यार गर्मी लगती है ना इसको बहुत, फर इतना है इसको, नींद आती है इसलिए। इसको लेके आई थी मैं उत्तराखंड से यार, भूटिया ये माउंटेन शेफर्ड। बहुत मस्त रहते हैं। Pack of this, like two of these, can like join together and chase down a bear or a leopard. A bear? Yeah, yeah, or a leopard. So that's why gaddi, जो यहाँ के होते हैं shepherds of the mountains, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, they keep these to protect the sheep, the herd. एकदम से वैसे काम से रहते हैं, but fearless fucking dogs हैं। कुछ भी नंदी का घंटा किसी चीज से डर नहीं, कहीं चढ़ा लो कहीं से कुदा लो कुछ भी हो, कोई भी चीज हिल रही है तो ये जाएगा, लाइक वेरी बेयर मेंटालिटी। सो दैट इज व्हाई यू फील सेफर आई गेस। नो नो इट्स नॉट लाइक दैट। दी पेट्स भी मुझे लगता है बच्चों की तरह होते हैं यार, ये जो लोग अपने के अंदर कुछ खाली भरने के लिए जानवर ले लेते हैं ना, वो बहुत गलत मेंटालिटी है यार मुझे लगता है। मेरे को पता कितने टाइम से कुत्ता लेना था, जब तक मेरे पास ये घर नहीं आया तब तक आई डिडंट अडॉप्ट एनी पेट। न्यू डे न्यू लकड़ी। अब हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे यहाँ पे लंगर में? यार पता नहीं, लाइफ इज वेरी इम्प्रॉम्प्टू, लाइक आई हैव लीज्ड आउट दिस स्पेस फॉर 6 years, एक साल हो गया, 5 और बचा है। So yeah, that way I like it here. But जिस हिसाब से हिमाचल में चीज़ें बढ़ रही हैं, you know, the next, the coming years will tell for themselves कि क्या करना है आगे, because हर जगह बदल रही है यार बहुत स्पीड से यहाँ पे। In like duration of months, places are changing, नई नई constructions हो रही हैं, और land बिक रहा है, और जगहें बन रही हैं। In fact, in this previous year, when I came here and started living here, तब यहाँ पे इसके अलावा एज सच कोई प्रॉपर्टी टाइप नहीं थी जहाँ पे बाहर के लोग आके एज सच रह रहे हैं, बाकी सब विलेजेस लोकल घर हैं। अब मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे बन गया है, रात में लाइट भी दिख रही होगी, एक वो हो गया, एक रास्ते में ही बन रहा है, एक नीचे बन गया है। सो विद इन अ ईयर द डेवलपमेंट एज सच ऑफ इवन दिस एरिया, जबकि ये थोड़ा ऑफ बीट नगर टाइप आता है, इट्स क्रेजी। Who knows what will happen in 5 years if some fucker has to build a some थोड़ी सी और बूढ़ी हो जाऊँगी जीवन में ना, और मेरे पास चीज़ें कम हो जाएं, जब I'll have no energy to want to travel या and just make impromptu decisions in life, when that will stop I'll stop, I'll then yeah get more animals and be with them। क्यों दीदी सही बात है ना, ये नहीं पूछना यार, यही थोड़ी ट्रिक क्वेश्चन था, आपने बस बोला हाँ। नहीं पता, मेरे को सही बात है ना, तो आपने बोलना हाँ, ठीक है। एक मूवी बर्फी देखी है मूवी आपने? हाँ दिखाऊंगी आपको, अच्छी लगी। उसमें यार वो शॉट ही होता है जो पोल गिरता रहता है, हर किसी खंबा गिराता है वो। I was thinking local legend type ban jayega once you're very old and just have a ton of animals around. हाँ, अभी भी मेरी एक बड़ी mysterious character projection है नगर में। आज भी जैसे जब मैं कभी निकलती हूँ तो लोग एकदम ऐसे जाते हैं, ओह हो अपने भवन से कौन बाहर निकला है। I don't go much out. Behind the scene. You're doing some weird thing with your mouth. Now I don't know how to. Don't.
वैसे भी हमारे हाथ और कॉफी यही ज्यादा दिख रहा है, ओके शक्ल तो हमारी दिखी नहीं रही है। Have you been to, you've not been to this? See. You do this exactly this. You stand here. Exactly. And you don't do that. Jesus wali ke liye. Spotlight like you know. Na se lagti hu main. Udhar tak chalte. Huh? Kya? Udhar tak chalo bola? Haan chal sakte hai bilkul. Okay, so that so the Israeli idea did not work out. Apparently, it's not theirs either. So, वो तो नहीं है यहाँ पे. Just I'm changing the story to just like normal everyday conversation with people. Oh, मतलब भाई solo travel is lonelier than I thought it would be. I meet people, but still it's like yeah, lonelier. देखो बात करो टेक्स्ट करो हमारा पहले से ही अच्छा प्लान है इंडिया अमेरिका ने अमेरिका तो देखो आपको तो क्या पता है हमने सन 71 की लड़ाई में भी देखा है अमेरिका ने जो है उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया सन 1970 जब ये तो रशिया ने हमारा साथ दिया तो आज भी रशियन आर्ट गैलरी इंटरनेशनल प्लेस और नगर जब कैपिटल में वर्ल्ड फेमस है कुल्लू और मनाली तो बाहर yes. जिस खाली हवे में चले जाए आगे बढ़ो फिर आओ ऐश करो पहाड़ों में ऐश करो वो भी बहुत पहले तो यानी कि एक संन्यास ले चुका था उन्होंने अच्छा अपने बाबा फीलिंग से जीते ये अपने वो सामने नहीं है इधर ये जो उधर एक कॉटेज बन गया हाँ अरे नॉर्थ वाला वो उनका हाँ हाँ
उनके साथ टच में है ना उनका। अच्छा। उनकी आई थिंक छोटी वाली बेटी ने उसने लिया हुआ शायद उनके साथ टच। फिर सन्यासी कैसे बन गए थे वो? अरे भाई नहीं पता मेरे को इतना भी, पर उनका भी एक बाल स्टोरी है। हाँ। सही में मैंने भी देखा हुआ है। हाँ। मेरे साथ आते थे मंदिर में, आते थे हमारे साथ जैसे टेंपल में, जैसे मैं 9 दिन था उधर। हाँ। ठीक है, 9 दिन मैं अपने टेंपल में था, ठीक है, तो भी आते थे, सब थे बिल्कुल अपने लाइफ से आउट ही थे। हाँ। ठीक है, चिल में पीना। हाँ। ठीक है, ज्वाइंट फूकना। हाँ। प्रवचन देना, ज्ञान देना, ठीक है, फालतू की बकचोदियां करते रहते थे, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए तो भाई यानी कि सोच अलग होना जरूरी है ना। अगर हम अपने फ्यूचर पे रहेंगे, अपने उस पे असूलों पे रहेंगे, तो हमारा क्या चलेगा इधर? फिर तो वही है ना भाई, हम अपने इंजॉय पे रहेंगे, अपना जो हमारा चल रहा कल्चर उसी पे रहेंगे। नई जनरेशन है, अलग है, सब कुछ अलग है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। टूरिज्म तो सही है भाई, टूरिज्म तो आना जरूरी है। बहुत चीज़ों का रोटी पानी उसी से चल रहा है। बहुत जरूरी रोटी पानी की नहीं है, एक ऐसे भी ना फ्यूचर में बोले तो हम लोग सोचे तो मैं आई थिंक तीसरी चौथी पीढ़ी मैं हो गया, चौथा पीढ़ी मेरी लड़का हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में था तो हमारा बहुत टफ था भाई, समझ रहे? उस टाइम ना रोड थी, सड़कें नहीं थी, स्कूल बहुत दूर था, तो बोले तो स्ट्रगल में बहुत प्रॉब्लम में आती थी। तो आज डेट में तो सब कुछ यानी कि मुंह के सामने है लोगों के लिए, ठीक है, तो फिर भी अगर बंदा उसमें अगर वीक हो जाए, अगर उस फैसिलिटी में अगर ना आगे बढ़े, तो फिर हमारा यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का होना बेकार है। फिर और जो ये फैसिलिटी हम लोगों को आ रही इधर भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जगह नहीं है नगर में कि टूरिज्म का हम बहुत ला सके, नहीं ला सके, पर बट ऐसा कि अगर ज़्यादा टूरिज्म अगर आ भी गया, ठीक है, तो लॉस भी है। तो इंसान को पता क्या होता है, दोनों तरफ चैन नहीं होता है। एक चाहता है इंसान, पता क्या चाहता है इंसान, चाहता है कि भाई मेरे हम लोगों के यहाँ पे लॉस ना हो, पैसा भी हो और लॉस भी ना बंदा हो, ठीक है। तो अगर दोनों को चीज़ों को रख के अगर मानेगा ना बंदा, तो भाई बहुत ही बोले तो बहुत ही कि अब देखो ना, एक ही बात बोलूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग शांति के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ये लगता है कि यार एक एहसास की ज़िंदगी, हम चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ऊपर अगर थोड़ा सा फॉरेस्ट पे चला जाऊँ, कितना एक सुकून होता है, ठीक है, कि यहाँ पे यार एक ऐसी जगह बनाऊँ मैं कि कोई भी इंसान आए और उसको थोड़ा सा रिलैक्स फीलिंग हो कि यार मैं जन्नत पे आ गया, मैं थोड़ा सा एक रिलैक्स फीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही एक इंसान का ना कि जैसे अगर प्रदूषण हो रहा है, हम लोगों की जनरेशन बहुत बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोगों को आगे आगे चलना जा रहा है, ठीक है, तो वही है नेचर के ऊपर। और क्या, फिर यहाँ से भी आगे को चलेंगे हम लाहौल को, इंसान को जो भी पता नहीं होगा यार आगे क्या चल रहा है। Did you exchange? Oh.
walk on by the wall, a little in a cave.